नमस्कार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स चैनल नंबर नौ पर हाजिर हैं हम मैथमेटिक्स का अपना ये लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर जिसमें हम कंस्ट्रक्शंस पढ़ने वाले हैं उसका अगला भाग और आपको मैं बता दूं कि हमारी जो आज मेहमान है वो स्टूडियो में ही मौजूद है उनसे परिचय कराने से पहले एक जी का अनाउंसमेंट है विच आई टू तो शेयर विद यू As we are uh, proud that uh, India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leader summit for the first time in the country in 2023, a nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all and in doing so, manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. So this is the announcement of G20. Would like to start the session with our expert. She is in the studio. Mrs. Bina Prakash ji is here with us. she, she is senior PGT Mathematics from Campion School, Bhopal. Bina ji, namaskar. Aapka bahut bahut Namaste swagat hai. Namaste, aapka. आज और... आज वर्चुअली ये नहीं है आज ये यहाँ फिजिकली यहाँ स्टूडियो में आई हुई है आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने आपका एक बार पुनः स्वागत थैंक यू राहुल जी सो हाउ इवनिंग लर्नर्स जी Uh, thank you very much. So, how would we start this session as what we have, uh, you know, covered in the last session? Last session में actually we discussed about how to bisect an angle hmm. and we took the perpendicular bisector of a line segment. अब ये दोनों use करके इसके आगे का part, that is application of what we have done in the last class. जैसे okay. यहाँ question दिया है, that is exercise 11.2 from the NCERT textbook. Mm -hmm. Construct a triangle ABC. एक मेजर दिया है एंगल का एंगल मेजर एंगल बी इज सेवेंटी फाइव डिग्री इसके अलावा इंफॉर्मेशन ये है की सम ऑफ दू साइड ए बी एंड ए सी दोनों मिला के थर्टीन डिग्री थर्टीन सेंटीमीटर्स है तो ये दो साइड्स जो है एड करके थर्टीन सेंटीमीटर है और उसका एंगल सेवेंटी फाइव डिग्री है अब कैसे इस ट्राइंगल लाइन सेगमेंट सी दिख रहा है अभी आपको इस पे हमें मेजर एंगल बी एंगल ये वाला मेजर होना चाहिए सेवेंटी फाइव डिग्री ये जो मेजर है ये सेवेंटी फाइव डिग्री होना चाहिए okay. तो लेटस्ट फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन ए बी एक्स विच मेजर मेक्स एन एंगल सेवेंटी फाइव डिग्री विथ बी सी बी सी साइड हो गया ट्राइंगल का okay. अब हमें ए मार्क करना है एनी वेयर ऑन दिस बी एक्स ठीक है अब ये पॉइंट ए कैसे मार्क करेंगे hmm. अब ए जो मार्क करना है वो ऐसा होना चाहिए कि ए से बी तक एक लेंथ है बट hmm. ए से सी का जो मेजर है hmm. वो एड ऑन करके हमें थर्टीन सेंटीमीटर चाहिए तो हमें hmm. क्या करना पड़ेगा जो पॉइंट ए है hmm. वो ऐसा होना चाहिए कि उसका लेंथ ये जो बी डी जो दिया है बी डी जो है थर्टीन सेंटीमीटर जो हमने लिया है वो कवर्स द लेंथ ऑफ टू साइड्स ए बी एंड ए सी तो हम कैसे बताएं हम ए पॉइंट कैसे मार्क करें ए पॉइंट वो होगा ना जो विच विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ डी से एंड सी से दोनों इक्वल होगा so what is that point where will that point a be which will be equidistant from d and c hmm. do point say do point could join a line segment We mari a point find out point which will be equidistant from d as well as c Wo point is nothing but the perpendicular bisector

इसका थोड़ा प्रॉब्लम यह था कि जो लेंथ दिया है बी एक्स का जो लेंथ दिया था वो काफ़ी बड़ा है थर्टीन सेंटीमीटर दिया था वो इस तरह से कवर नहीं हो रहा था इसलिए मैंने उसको इन्वर्ट करके बनाया है तो ये जो साइड है बी सी है बी सी बनाया मैंने फर्स्ट देन आई मेड दिस रे बी एक्स उसमें हमने मार्क किया डी देख लीजिए स्केल से देखो दे, देखिए स्केल से आकर आप देखेंगे स्केल से इसका मेजर देखिए डी थर्टीन सेंटीमीटर है मैंने आधा करके रखा ताकि टाइम कंस्ट्रेन क्योंकि ये देखिए बिल्कुल टाइम सेविंग ऑप्शन होना चाहिए हाँ ये देखिए थर्टीन सेंटीमीटर है ये अब इस पे देन व्हाट आई डिड इज इस, अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करें पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर का बच्चों याद करके देखिए पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन कैसे किया हमने हमने इस कंपास के एक एंड को सी में रखा और इस एंड को हमने रोटेट किया मोर देन हाफ द एंगल से रोटेट किया हमने ठीक है हाँ ये देखिए इसको थोड़ा सा हमें शिफ्ट करना पड़ेगा इस पोजीशन पे हाँ अब देखिए ये जो मेजर है ये देखिए ये ये एक आग बनाया मैंने लाइक वाइज इस कंपास का नेक्स्ट पॉइंट को हम यहाँ रखेंगे और कंपास पेंसिल को थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर देते देखिए एंड पे रखा हमने कंपास को और ये एंगल ये बनाया सो व्हाट वी आर मेकिंग इज़ द परपेंडिकुलर ऑफ़ तो देखिए ये दोनों आर्क्स जो है ये पॉइंट ए पे कट किया है hmm. और ये एक पॉइंट है तो इसको यूज दोनों को ज्वाइन करते हुए मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया है विच विल कट बी डी सी डीसी को कट करता है कोई पॉइंट पे तो हमें उस पॉइंट से मतलब नहीं हमें पॉइंट ए से मतलब है बिकॉज वी वॉन्ट द पॉइंट ऑन बी डी तो अब वो पॉइंट ए इज द रिक्वायर्ड पॉइंट टू कंप्लीट द ट्राएंगल अब आप देखिए ट्राएंगल कंप्लीट हो गया हमारा ए से लेके सी सी से लेके बी एंड बी से लेके ए वी हैव फॉर्म द ट्राइंगल सो दिस ट्राएंगल इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल विच हैज मेजर ऑफ एंगल बी सेवेंटी फाइव डिग्री और ए बी एन एन एंड ए सी दोनों का लेंथ जो है द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी जो है दैट विल कम आउट टू बी थर्टीन सेंटीमीटर वाई विल ए बी एंड एसी बी बिकॉज ए सी जो है वो इक्वल टू ए डी है सो दैट इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट द ट्राइंग नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे पास फिर सिर्फ वही टाइप का क्वेश्चन है बट यह थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ एक साइड दिया हुआ है बीसी एक मेजर दिया है एंगल बेस एंगल का एक मेजर दिया है बी दिया है 45 डिग्री अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में ये है कि ए बी और ए सी दैट इज दो साइड्स के डिफरेंस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है पहले हमने ऐड करके बनाया था अब यहाँ पे डिफरेंस है हुँ. तो ऑब्वियसली जो पॉइंट डी है वो तो एंगल पे ही उसी एंगल पे रहेगा ना बी एक्स जो एंगल है उसी पे रहेगा तो okay. so, जो डी पॉइंट है दैट मेजर्स बी डी जो है बी डी का मेजर जो है वो थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है

मैंने बेस साइड बनाया बी सी अब बी सी में अब हमें क्या करना है हमें क्या करना है पॉइंट ए कहाँ मार्क करना है ऑन बी एक्स तो वो बी एक्स पे कैसे रहेगा विच विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम डी एंड सी सो हमें क्या देखना है वी हैव टू टेक अप द डिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीसी ये पोपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने लास्ट क्लास में भी किया था आज फिर से रिपीट कर रही हूं देखिए इसको विल टेक दिस विल टेक द पोपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ये आग कट किया फ्रॉम वन एंड अब दूसरे एंड पे सी पे रख के करेंगे विल अगेन कट एन आग We'll cut an arc from C point. This. So हमें थोड़ा सा एक और shift करना देखिए ये थोड़ा सा यहाँ कम पड़ गया है तो I'll bring that compass here देखिए। It is somewhere here. ये देखिए अब देखिए ये जो लाइन सेगमेंट ये लाइन बनेगा पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ये जो पॉइंट है ये लाइन से जो है दिस इज दर्पेंडिकुलर ऑफ डी सी ये कहाँ जाके बी ए डी एक्स पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट है हमारा पॉइंट ए वी है हमारा point A. So we have this point A. अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए आप ये पॉइंट हमारा ए है इस पॉइंट को हम बी से और सी से कनेक्ट कर लीजिए बन गया ना हमारा ट्राइंगल इज इट द रिक्वायर्ड ट्राइंगल देखिए ओके सो वॉट वी हैव इज है ट्राइंगल गिवन मेजर ऑफ एंगल बी इज गिवन ऑल्सो द डिफरेंस ऑफ लेंथ ए बी जो पॉइंट हमारा ए है ये दिस इज अ पॉइंट ए ये पॉइंट ए है ए बी माइनस ए डी इट्स ए बी माइनस ए डी मीन्स ए डी ए बी माइनस ए सी क्योंकि ये जो दोनों लेंथ है एडी लेंथ जो है ए सी के बराबर है बिकॉज ए डी ए इज ऑन द परपीक्युलर बाई सेक्टर ऑफ टी सी सो ऑब्वियसली ए बी माइनस ए सी इज बी डी जो रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन दिया था हमारे पास दैट इज ए बी माइनस ए सी इज बी थ्री पॉइंट फाइव सेम इंफॉर्मेशन आ गया हो गया हमारा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट सो दिस इज हाउ वी टेक अप द अपड कंस्ट्रक्शन ठीक है अब यहाँ एक प्रॉब्लम है ये जो साइड दिया है ए बी माइनस ए डी ए बी माइनस ए सी ए बी जो है ऑब्वियसली ग्रेटर देन ए सी है तो ए hmm. बी का साइड जो है बड़ा है ए सी से ऐसा hmm. भी हो सकता है कि ए बी छोटा है बी ए सी से तब क्या करेंगे हम दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन तो वो सेकेंड सिचुएशन है जहां ac का साइड जो है ac is greater than ab तो हमने जो पॉइंट d लिया था on bx on that side इस साइड में जो लिया था उसके जगह वी टेक इट ऑन द रिवर्स साइड ओके रिवर्स साइड में वी विल मार्क द पॉइंट d व्हिच इज मेकिंग अ साइड मेजर 3.5 तो ये जो bd का लेंथ जो है वो 3.5 है अब अगेन सो वी हैव दिस पॉइंट d Any point on the perpendicular bisector of DC. Any point on the perpendicular bisector of DC. Where will it. What will it be. It will be equidistant from D. As well as C. C. So don't you have AC's length equal to AD. So don't you have that A point. On BX. This is the point A. Okay. So we have that construction ABC. It triangle. So we go for the

अब ये देखिये बी डी जो है इट इज ए डी बी डी का लेंथ आप बताइए बी डी का लेंथ क्या है इजेंट इट ए डी माइनस ए बी अब ए डी क्या है हमारा वो है ए सी सो वी हैव ए सी माइनस ए बी टू गिवन इंफॉर्मेशन सो ये है हमारा थर्ड कंस्ट्रक्शन hmm. अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है वो है और अच्छी बात है देखिए इसमें और भी इंफॉर्मेशन है देखिए अब कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि मेजर ऑफ थ्री साइडमीटर दैट इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल दिया है हमारे पास तीनों साइड का एडिशन करके हमें इलेवन सेंटीमीटर आना चाहिए दैट इज ऑफ इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास कि मेजर ऑफ एंगल वाई देंगल बेस एंगल्स ये वाई एंड हम बेस एंगल्स मान लेते तो हमने बेस साइड को दिया है तो दोनों बेस एंगल्स का मेजर भी दिया है 30 डिग्री एंड 90 डिग्री इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम कैसे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे द क्वेश्चन सो देखिए स्टेप फर्स्ट जो बनाया मैंने ए बी इज इक्वल टू इलेवन इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड मतलब ए बी जो लेंथ यूज किया है दिस मेजर्स लेवन सेंटीमीटर फाइन अब इस बी में यू हैव टू मार्क टू पॉइंट सच दैट वाई का मेजर ये जो मेजर है एंगल 30 डिग्री होना चाहिए और ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और देन पॉइंट एक्स ऐसे मार्क करें ताकि ये तीनों ऐड करके 11 सेंटीमीटर है अब अपन सोचते कैसे करना देखिए वाई जेड वाई एक्स जो लेंथ है वो है ना इस साइड का पार्ट वाई ए वाई का पार्ट है दैट मीन हमने ए वाई को वाई एक्स माना है तो एगर वाई एक्स होना है तो वेयर शुड वाई बी वाई शुड ऑब्वियसली बी ऑन द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ एक्स वाई एक्स वाई के परपेंडिकुलर बाय सेक्टर में होना चाहिए अब एक्स वाई के पर्पेंडिकुलर बायसेक्टर में हम एक्स वाई बनाएंगे बट ए एक्स क्या पॉइंट है वॉट इज दैट पॉइंट वो भी देखिए ये जो मेजर है ये मैंने मेजर लिया है थर्टी डिग्री विच इज इक्वल टू लास्ट क्लास में किया था एंगल एंगल सेक्टर ऑफ दिस एंगल ये ये 90 डिग्री लिया है यहां पे. इसका बाइसेक्टर है दैट इज फोर्टी फाइव डिग्री फाइन तो दोनों जो पॉइंट जो इंटरसेक्ट करता है दैट इज द पॉइंट एक्स सॉरी पॉइंट अब देखिए ये जो दिस इज़ ये 90 डिग्री है ये थर्टी डिग्री लिया अब इस पर आई कंस्ट्रक्ट द एंगल दाइसेक्टर्स ऑफ दिस साइड एंगल्स ठीक है अब ये एंगल बाइसेक्टर्स कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वी टेक इस देखिए एक आंक इस एंड से ले लेंगे और देन विल टेक अप द नेक्स्ट आर्क हियर इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं पोजीशन और ये आर्क कट किया ये सो ये जो लाइन सेगमेंट वैसे ही सेम वे हियर आल्सो वी हैव विल कीप द कंपास हियर

We will take the angle bisector of this angle. This is the angle bisector of A. That is A point. Or ye angle bisector this 90 degree ka. Okay. angle bisector jo where it intersects that is the point to be marked, and that point is point X this is point x fine okay. now ab dekhiye ab karna hume? we'll make the perpendicular bisector of ax ye hamara a hai point or ye point b hai okay. so we are looking for a point y on ab which is such that ay and ax are equal so that will obviously be on the perpendicular bisector of ए एक्स सो इसको पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें यूज करना है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है थोड़ा सा मुश्किल होता है एनी वे आई ट्राई ये हो गया एक साइड विल टेक दाइड ये देखिए दिस इज एन अदर साइड सो दिस वे विफ अगेन गो फॉर द पॉइंट एक्स विल ब्रिंग द पेंसिल टू दिस साइड सो वी सी दैट वी आर एबल देखिये ये कट कर रहा है ये दोनों एंगल सो वॉट वी आर गोइंग टू गेट इज दर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एक्स तो देखिये ये ज्वाइन करते हुए ये पॉइंट ज्वाइन करते हुए हमें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर विथ ए बी देखना है तो कौन सा पॉइंट मिला हमें ये इट इज दिस पॉइंट फाइन सो ये है पॉइंट हमारा वाई ओके नाउ लेट सी वाई डिड बी टेक अप दिस एंगल बाय सेक्टर ये देखिए अब मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन किया है एक्स के साथ आई चेंज द कलर थोड़ा सा कलर चेंज हो गया तो क्लियर दिखेगा ये देखिए ये जो वाई है ये जो लाइन सेगमेंट है ये बाय एक्स है नाउ वॉट इज द रीजन वाई आई टुक दिस एज एंगल बाय सेक्टर देखिए बताइए ये एंगल का मेजर है थर्टी डिग्री फिफ्टीन डिग्री विच इज मेजर विच इज हाफ ऑफ थर्टी डिग्री ओके 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 ये जो 50, ये जो पॉइंट है इज इट ए वाई इक्वल टू वाई इज इट

इज हम एक्स वाई को भी एक्स एक्स बी को भी हम बाइसेकट करेंगे सो वेर दैट पॉइंट वेर एवर वी गेट दैट पॉइंट लेट्सूम दैट ये जो पॉइंट है ऐसे करके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आई एम जस्ट टेकिंग अपॉज कंस्ट्रक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा तो आई जस्ट रेज्यूम दैट तो ये जो पॉइंट है तो दैट पॉइंट दैट वी हैव इज द पॉइंट दैट वी रिक्वायर ये जो पॉइंट है दिस इज द्वाइंट दैट वी हैव एंड दैट पॉइंट कैन बी मार्क्ड एड सो अब देखिए अब इन दोनों को ज्वाइन करके देखेंगे तो वील फाइंड दैट ये जो मेजर है दिस हैजू बी नाइनटी डिग्री ये जो पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट दिस विल बी नाइनटी डिग्री सेम रीजन बिकॉज वी हैव दिसपेडिकुलर बायसेकटर ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो ये हमने फोर्टी फाइव डिग्री कंस्ट्रक्ट किया था ना पर्पेंडिक एंगल right. बायसेक्टर तो दिस ऑल्सो भी फोर्टी फाइव डिग्री तो इन दोनों के फोर्टी फाइव डिग्री होने के कारण ये मेजर नाइन्टी डिग्री हो गया सो वी हैव द This point as z. So, which is which where is the triangle that we require? Isn't it this point yz? Then z to Y uh, Z to x, therefore y to. Okay. Hai na So, don't we have the whole length a b as okay. y z plus z x plus x z? Hana? Ye tino ka sum mila ke hai na, a b ka length? क्योंकि तो तो हमारा एक्स जेड का लेंथ है एक्स बी और ए वाई का लेंथ है एक वाई एक्स तो टू तो तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज व्हाट इज गिवन दैट इज 11 एंड एज वेल एज ये दोनों बेस एंगल्स का भी मेजर हो गया राइट तो तमाम तो 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 सारी चीजें यहाँ पर ये इशारा कर रही हैं बच्चों की प्रैक्टिस जो करनी है वो तो करनी ही है लेकिन उससे पहले आपको जो करना है वो ये

ट्रू स्पिर सो मुझे फिलहाल आप दीजिए इजाजत वेबिनार लेकर हम थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे तमाम हमारे ई विद्या चैनल्स पर देखते रहिए ई विद्या चैनल और एनसीआर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नमस्कार